अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम ये एग ब्रेड कैसे तैयार करते हैं, तो मैंने ये तैयार करने के बाद अपने बर्ड को सर्व करने लगा तो मेरे जहन में आया कि यार आप लोगों को फिर अक्सर भाइयों का क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा कि इसकी मकदार कितनी रखनी चाहिए अपने बर्ड्स को देने के लिए। सो मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बना लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी मकदार कितनी रखनी चाहिए जो आइडियल मकदार होती है आपके बर्ड्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे 7 पोर्शन, मतलब जो मैंने फिश को देने हैं, और ये 4 मैंने अपने बड़े बर्ड्स को देने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसकी मकदार कितनी होनी चाहिए और आइडियल मकदार क्या होती है एक पेयर के लिए, दो पेयर के लिए, जिनके बच्चे निकले हों उनके लिए। दोस्तों सबसे पहले ये मैंने लिया, मेरा एक पेयर वो बिल्कुल ऊपर है, अभी उसके बच्चे नहीं निकले, सो मैं ये उसे सेपरेट पेयर है ये मैंने उसके लिए डाल दी, इतनी मकदार उसके लिए इनफ है। उसके 7 पेयर है, 2 पेयर हैं, ये 2 पेयर के लिए मैंने डाली, और उनके तीन बच्चे हैं बल्कि, और ये मैंने डाल दी उनके लिए, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये मकदार इनफ है। उससे नीचे एक पेयर है और उसके 2 बच्चे हैं, तो ये मैंने उनके लिए डाल दी। दोस्तों ये मकदार मतलब इनफ होती है, आप देखें इसमें आइडियल मकदार होती है, उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होता। उससे नीचे मेरा एक पेयर है और उसके 2 बच्चे हैं, ये उसके लिए आ गई। उसके साथ मेरा पेयर है, उसकी फ़ीमेल एक्सपायर हो गई, उसमें वीडियो नहीं बना पाया माजरत, और उसके 3 बच्चे हैं, ये उसके लिए आ गई। उसके साथ मेरा नीचे एक पेयर है, तकरीबन बल्कि 4-5 पेयर इकट्ठे लगे हैं, सो ये उनके लिए आ गई। दोस्तों ये इसकी मकदार मतलब आपको अपने बर्ड्स के लिए, जो बर्ड्स की नेचर होती है उसको समझ के देनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये बर्ड्स कितना खाता है और इसे कितने की ज़रूरत है। अब ये मुझे पता है जिस बर्ड्स के लिए मैंने जो डाला है वो, मतलब मैं उन्हें वही सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा कौन सा बर्ड्स, सॉरी ये जिसके बच्चे थे उसके लिए सेपरेट, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है मेरा कौन सा बर्ड्स कितनी मकदार में चीज़ खाता है। ये देखें, ये मैंने एक पेयर के लिए डाला था और ये मैं इसे रख देता हूँ, ये जो था मैंने, ये मैंने इनके लिए डाला था, ये 2 बच्चे थे, और ये मैंने इनके लिए डाला था जो 2 पेयर हैं और 3 बच्चे हैं। सो अच्छी तरह इंजॉय करेंगे ये फूड अपने इंशाल्लाह ताला और खाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड। तो सेकंड दोस्तों ये है, राइस हैं कल के, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सेकंड हमारे डव हैं, हम डव को ये लेवल डालेंगे, डव के लिए इनफ है, 4-5-6 डव हैं और वही जो पाइड के पट्टे थे और एक इसके साथ फिंच है, तो ये इंजॉय करेंगे और अच्छी तरह खाएंगे। तो आप देखें माशाल्लाह वो खाने के लिए आ गए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी परिंदे मेरे खाने के लिए आ गए, ऊपर भी देखें माशाल्लाह कि सारे एग फूड इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कैमरा किया तो वो साइड पे भाग गया, ये देखें माशाल्लाह, मतलब आपके बर्ड्स को आप जिस चीज़ का आदि करेंगे आपके बर्ड्स वही चीज़ खाएँगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इसकी मकदार कितनी रखनी है। बात कर लेते हैं हमारे लव बर्ड्स के लिए। सो दोस्तों ये 4 हैं हमारे पास, तो और ये एग फूड बचा है, अब हमने 6 जगह पे करना है। मुझे याद आ गया 2 जोड़े मैंने कल सेपरेट किए हैं, तो वो जोड़े आप 2 देख लें पहले। ये मैंने कल ही अलग किए हैं, इनको अलग अलग किया है, तो इनके लिए भी हम निकालेंगे। सो एक पेयर है उसके लिए ये, लव बर्ड का दूसरा पेयर है उसके लिए ये। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो नीचे नीचे लगे हैं वो 2 पेयर लगे हैं लोटिनो के, और 2 पेयर के लिए ये इनफ है क्योंकि उनके भी बच्चे नहीं निकले। उससे ऊपर बात कर लें तो हमारे फिशर के 2 पेयर हैं, 3 पेयर और उसमें से माशाल्लाह बच्चे आए हैं, सो उनकी मकदार हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
उसी ऊपर वाले खाने की, तो उसमें दो लोटिनों के पेयर हैं जिसमें एक में एग्स हैं और एक में बच्चे हैं, सो उनकी मिकदार भी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट वाले खाने की, जो लोटिनों के हमारे पेयर लगे हुए हैं। लोटिनो दो पीस हैं और तीन पीस उसमें छोड़े हैं हमने अल्बाइनो के, तो देखते हैं कि उसमें से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ये तरतीब में मैंने लगाया है और उसी तरतीब से मैं इन्हें सर्व कर दूँगा। ये आप देखें एज इट इज़ जो तरतीब मैंने आपको बताई है उसी तरतीब में मैं सबको इनके एग फूड जो है वो सर्व कर रहा हूँ। दोस्तों तमाम बर्ड्स एग फूड इंजॉय करेंगे और आप भी अपने बर्ड्स को डालें, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए ये भी आपको समझ आ गई होगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।